तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको इंडियन फुटबॉल आईसीएल और वर्ल्ड फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हटकर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस तरह का चीज नहीं करता हूँ, लेकिन भाई बहुत ही सीरियस मैटर है। कोरोना वायरस के आउटब्रेक के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने अगले 21 दिन तक एक लॉकडाउन घोषणा किया है, यानी कि यहाँ पर आप घर से निकल नहीं सकते हो, यहाँ पर आपके ऊपर कानूनी जुर्म का एक थप्पा लग सकता है। तो भाई देखिए, कोरोना वायरस आपको नहीं हुआ है, आपको कोविड-19 नहीं हुआ है, लेकिन हो भी सकता है। आपके सेफ्टी के लिए ही गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है, तो जितना हो सके आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए, अच्छी तरीके से हाथ मुंह सोप से धोइए, अपने आप को क्लीन रखिए। कुछ अगर बहुत ही इमरजेंसी चीज़ हो जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो जाइए, लेकिन उसके अलावा आप कोशिश भी मत कीजिए बाहर निकलने के लिए। तो भाई मेरी तरफ से आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो लॉकडाउन घोषणा किया गया है उसका पालन ठीक ठाक कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। तो हमारा पहला अपडेट है भाई इसी कोविड-19 को लेकर। तो भाई कोविड-19 के अवेयरनेस कैंपेन के लिए फीफा ने 28 फुटबॉलर का नाम घोषणा किया है, जहां पर सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी का नाम एक साथ मौजूद थे, साथ साथ हावी भी मौजूद थे उस लिस्ट में। तो शायद इन सभी खिलाड़ी को हम लोग एक ही फ्रेम में या एक ही वीडियो में देख सकते हैं। मुझे उतना ज़्यादा अंदाजा नहीं है कि क्या करेगा फीफा, किस तरीके से इस चीज़ को फैलाएगा, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाएगा इस कोविड-19 के बारे में। और आगे चलकर इसके बारे में मैं अगर कुछ भी डिटेल्स ले पाता हूँ या मुझे पता चलता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन जो 28 खिलाड़ी का नाम है भाई, वहाँ पर सुनील छेत्री और मेसी का नाम भी मौजूद है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है AIFF के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड को लेकर। तो भाई 6 खिलाड़ी नॉमिनेट हुआ है इस अवार्ड के लिए 2020 में। पहला खिलाड़ी है अनिरुद्ध थापा, उसके बाद है अप्पुया जो कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से खेल रहा था आईएसएल में, उसके बाद है सुमित राठी एटीके की तरफ से खेल रहा था, शुभम सरंगी ओडिशा एफसी की तरफ से खेल रहा था, उसके बाद है विक्रम प्रताप सिंह जो कि आई लीग में इंडियन एयरोस की तरफ से खेल रहा था, उसके बाद है शेख साहिल जो कि मोहन बगान की तरफ से आई लीग में खेल रहा था। तो अब यही 6 खिलाड़ी में से 2020 में किसी एक को मिलने वाला है AIFF के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड। लास्ट टाइम मिला था कैडबर स्टेट एफसी के साहल अब्दुल समाद को, और इस बार अब किसको मिलेगा हमें पता नहीं है। आपके मन में अगर किसी का भी नाम है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बार बार एक चीज़ पूछ रहे थे एफसी गोवा और रेडबुल के डील के बारे में। तो बहुत पहले इसके बारे में र्यूमर्स निकल के आया था कि रेडबुल एफसी गोवा के ज़्यादातर स्टॉक खरीदने वाला है, लेकिन भाई इसके बारे में अब इस वक्त कुछ भी चीज़ सामने नहीं आया है। जो रिमर्स तभी था वही रिमर्स अभी भी है कि रेडबुल एफसी गोवा के साथ एक डील कर सकता है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा है बात, और मुझे नहीं लग रहा है कि आगे बढ़ेगा भी, क्योंकि अगर कुछ होता तो और भी अपडेट आता, कुछ नहीं है तो अपडेट भी नहीं है। तो आप लोग मुझे पूछ रहे थे इसके बारे में, इसीलिए मैं आपको एक और बार क्लियर करके बता रहा हूँ कि भाई इसके बारे में अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन जब आएगा अगर कुछ डील विल होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट भाई, हम लोग एक कदम और बढ़ा रहे हैं हमारे चैनल को, क्योंकि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विदेशी लीगों के न्यूज़ देना। तो भाई धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, उतना ज़्यादा एक बार में मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा हर लीग को, मुझे भी समझना है। मुझे फुटबॉल के बारे में पहले इतना ज़्यादा पता नहीं था, वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में अभी भी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को समझने के लिए। तो आगे चलकर मुझसे थोड़ा बहुत गलती होगा, अगर कुछ गलती होता है तो आप लोग ज़रूर माफ़ कीजिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों को परफेक्ट न्यूज़ दूँ विदेशी लीगों के बारे में। आप लोगों ने बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप विदेशी लीगों के बारे में भी बताइए, और मैं आज से भाई स्टार्ट कर रहा हूँ देना। धीरे धीरे मैं आपको आगे बोलता रहूँगा इन सभी चीज़ों के बारे में, आप लोग सपोर्ट दिखाइए। थोड़ा बहुत मैंने जैसा कि बताया कि मुझसे गलती भी हो सकता है बोलने में या डिटेल्स जुगाड़ करने में, तो उसको थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कीजिए कुछ दिनों के लिए। जब मैं पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से सब कुछ समझ जाऊँगा, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा,
विदेशी लीगों के बारे में, उसके बाद आपको परफेक्ट न्यूज भी मिलता रहेगा। तो चलिए आज से ही हमारा जर्नी शुरू कर देते हैं। तो आज का हमारा अपडेट है सीरिया ए लीग से जुड़े, जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस की तरफ से खेल रहा है। तो भाई रोनाल्डो ने अपना मन बना लिया है सीरिया ए लीग से निकलने का, जुवेंटस से निकलने का। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ कॉन्क्लूशन है, वो भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। फुल डिटेल्स में इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। कुछ नया टीमों ने भी इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला चीज़ ऐसा है कि भाई रोनाल्डो के पास नया डील आया था जुवेंटस की तरफ से। ऑलरेडी 2022 तक रोनाल्डो के साथ जुवेंटस का डील है, लेकिन उसके बाद भी 2023 और 2024 तक एक नया डील ले आया था रोनाल्डो के सामने जुवेंटस, लेकिन रोनाल्डो ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया है। और भाई इसके ही चलते अकॉर्डिंग टू डीआरईओ जीओएल कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो निकल रहा है जुवेंटस से सीरिया ए से। ऑलरेडी इनके ऊपर दो क्लब ने इंटरेस्ट दिखाया है। पहला है लीगा वन के पीएसजी और दूसरा है प्रीमियर लीग के मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फॉर्मर क्लब है। तो अब देखने वाली बात यह होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फ्यूचर क्या होगा। क्या वो लीगा वन के पीएसजी में जाएगा, जहां पर केलियन एम्बेपे, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए अपना फुटबॉल करियर का स्टार्ट किया था, अपने फुटबॉल करियर में ग्रोथ किया था, तो अपने गुरु के साथ क्या यहां पर एम्बेपे को मौका मिलेगा खेलने के लिए, या फिर से वो अपना ग्लोरी रिस्टोर करना चाहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाकर। अभी इनका उम्र है भाई 35 साल, तो अपना नेक्स्ट करियर या नेक्स्ट चैलेंज को वो किस तरीके से देख रहा है उनको ही पता है। लेकिन आगे चलकर अगर कुछ भी मुझे पता चलता है इस मामले के बारे में, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो भाई आज मैं आपको सिर्फ यही एक अपडेट दिया है, और आगे चलकर और भी अपडेट दूंगा। मुझे और भी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ रहा है सभी चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारा न्यूज़ देने लग जाऊंगा। सिर्फ आज जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो अभी हेडलाइन में है, वो मैं आपको बता दिया। भाई फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।